और इधर पश्चिमी चंपारण के बगहा अनुमंडल के अंतर्गत गंडक नदी का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। जलस्तर बढ़ने के साथ ही अब नदी अपने तट के किनारे कटाव करते हुए तटबंध की तरफ बढ़ने लगी है। इसी के साथ ही दियारा इलाका के लोगों को बाढ़ की चिंता भी सताने लगी है। गंडक नदी की जलस्तर बढ़ने का सिलसिला शुरू होने के साथ ही तटबंधों की बदहाली से इस इलाके के ग्रामीणों की धड़कनें भी तेज हो गई है। दियारा इलाके के गांवों के बाढ़ से बचाने के लिए तटबंध हैं तो कई स्थानों पर ऐसा बांध भी बने हुए हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर इन बांधों की दशा से ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। ग्रामीणों ने बाढ़ की आशंका से उससे बचने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन तटबंधों की बदहाली के प्रति अभी भी विभागीय पदाधिकारी उदासीन बने हुए हैं। इस इलाके के ग्रामीण बताते हैं कि मुख्य तटबंध है, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। अब गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही बाढ़ की आशंका से इस इलाके के लोगों की धड़कने भी बढ़ने लगी है। कटले का भावना है और पानी अधिक हो गया है, कौन ठीक नहीं है, नदी क्या करेगा। तो आप लोग कैसे रहते हैं, मतलब डर और भी आप लोग के अंदर आ गए का? हाँ, डर नहीं है, पानी बहुत है तो डर नहीं है। हाँ, पानी बहुत है तो डरे बा। को बार मैंने बांध नदी काट चुकल बा क्षेत्र के, गंडक पार क्षेत्र के? ये बहुत कटला बटे, हमें जैसे 3-4 बार कटला बा। 3-4 बार कट चुकल बा? हाँ, बन्हा चुकल बा, कट चुकल बा, कितना बांध खत्म हो गए।